सलाम अनाप एंड जी आनू टू ऑल द लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि होंगे खुशबाश शादो अब्बाद, जहां भी होंगे रेडियो सनशाइन के प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे इंजॉय। आ जाइए कमेंट सेक्शन में, लगवा दीजिए अपनी हाजिरी, क्योंकि ये है आपका अपना बुक रिव्यू विद आरजे यास्मीन। आज जो किताब आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ फ्रेंड्स, वो है हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वन। फ्रेंड्स, मुझे इस बात का यकीन है कि ये किताब आपके लिए एक अहम तरीन किताब अब से बन जाएगी। किताबें वैसे होती तो दोस्तों की तरह है, कभी भी अच्छी किताबों के साथ दोस्ती इख्तियार करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जो अनमोल खजाना ये किताबें हमारे लिए रखती हैं, तो उससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। फदर एनी डिले, चलते हैं आज के कतबखाने में और देखते हैं कौन सी किताब हमारा इंतजार कर रही है। एज आई ऑलरेडी मेंशन के आज की किताब सबसे अमेजिंग और सबसे इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही कम लोगों ने इसके ऊपर बुक रिव्यू किया होगा, या आप में से बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में अगर सुना होगा तो इसको पढ़ा नहीं होगा, या जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो लोग, उनकी तादाद बहुत कलील होगी। ऐसी ही किताब मैं आज के महीने के मुताबिकत से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इस किताब का नाम है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सैरिसन, जिसके राइटर है सैयद अमीर अली। सैरिसन्स फ्रेंड्स कौन होते हैं? बेसिकली सैरिसन्स मुस्लिम वॉरियर्स को कहा जाता है। आप में से जो इस्लामिक हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, या जो पीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, या सीएसएस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये किताब यकसा ही मुफीद किताब है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं वो सैयद अमीर अली के बारे में पीपीएससी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या सीएसएस में सबसे ज़्यादा इनके बारे में पूछा जाता है, इनकी जो सर्विसेज हैं इनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द बुक, तो फ्रेंड्स मैं आपको सैयद अमीर अली के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती चलूँ कि सैयद अमीर अली का शुमार बड़े सगीर के चंद इंतहाई आला तालीम याफ्ता मुसलमानों में होता है, और नौजवानी में ही इन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया था। जितने भी बड़े बड़े जोमा या जितने भी बड़े बड़े राइटर्स थे, अदीब थे, शायर थे, और उस दौर के इंटेलेक्चुअल्स थे, वो इनसे मुतासिर हैं। अक्सर बड़े बड़े राइटर्स ने अपनी तहरीरों में इनका जिक्र कर रखा है। उस वक्त के वॉइस रॉय लॉर्ड मायो, वो भी इनसे बहुत मुतासर थे। उन्हीं की रिकमेंडेशन पर ये वलायत आला तलीम के लिए गए थे, और वहाँ जाकर भी बहुत बड़े अदारों से इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। आप कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। आपकी आखिरी अपॉइंटमेंट भी यही थी। इसके बाद आप इंग्लैंड चले गए और आखिरी उम्र तक वहीं रहे। सने पैदाइश इनका 1849 है, जबकि वफात 1928 में हुई। सैयद अमीर अली का ताल्लुक रियासत ओहद, जो कि इस वक्त यूपी का हिस्सा बन चुकी है, उससे था। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सैरिसन्स हिंदुस्तान में छपने वाली पहली किताब है, जो कि मुस्लिम हिस्ट्री से मुतालिक है और अंग्रेजी जबान में है। इस किताब के मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स, ये अर्ली डेज ऑफ इस्लाम से लेकर फॉल ऑफ बगदाद तक का अहाता करती है। इसका उर्दू तर्जमा तारीख इस्लाम के नाम से हो चुका है, जिसकी 3 जिल्दें मौजूद हैं। इनकी एक और तसनीफ जो बहुत ही ख़ास किताब समझी जाती है, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, सही मायनों में बहुत ही कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है।
अगर मैं कहूँ कि अगर कोई हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के ऊपर कोई टेक्स्ट बुक मिल जाए तो वो यही किताब बन सकती है, स्पिरिट ऑफ इस्लाम, क्योंकि ये बहुत ही मुफस्सल टू द पॉइंट किताब लिखी गई है। किताब का पहला बाब अरेबियन पेनिनसुला के ज्योग्राफिकल माहौल और हालात से मुतल्लिक है। वहाँ का कल्चर, रहन सहन, लोग, सहरा, बयाबान और हत्ता के उस दौर के जरबल मसाल, उस दौर की शायरी, उस दौर की कहावतें, कोट्स, इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसमें किताब की दिलचस्पी में बेपनाह इजाफा होता है। दूसरा चैप्टर जो कि कदीम हिस्ट्री ऑफ अरब को टच करता है, एक अब्रहा का हमला, आप लोग अब्रहा से तो वाकिफ ही होंगे, अब्रहा का हमला लोग उसे आमुल फील के नाम से भी याद करते हैं, यानी हाथी का साल। ये वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुछ अरसा पहले का है। अब्रहा का ताल्लुक आप जानते ही हैं कि यमन से था और हाथी लेकर वो आया था और फिर उन हाथियों का हशर चश्मे फलक ने बहुत बुरा देखा था। इसी वाक्ये से मुतल्लिक कुरान पाक की एक सूरा है, सूरह फील। इस किताब में वलादत से लेकर बेसत और हिजरत तक के वाकयात को कलमबंद किया गया है। तीसरा चैप्टर रियासत मदीना के क्याम पर है, द लाइफ ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, और विसाल तक ये सिलसिला चलता है। और कमाल इस किताब का ये है कि इस कदर तवील चैप्टर, जिसके कई कई वॉल्यूम्स लिखे जा सकते हैं, इतने कॉन्साइज तरीके से इसको टू द पॉइंट इस चैप्टर में कवर किया गया है। तो ऑलवेज क्रेडिट गोज टू द राइटर, के राइटर ने उसका लिखने का स्टाइल, उसका राइटिंग अप्रोच, उसने किस तरीके से उस चीज़ को कवर किया, तो वी विल गिव द क्रेडिट टू द राइटर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसी किताब पढ़े जिसके अंदर आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताई जाए, तो आप भी ये किताब पढ़ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही इल्तमास है कि हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर। और अगर आप हमारे प्रीवियस बुक रिव्यूज सुनना चाहते हैं तो आरजे यास्मीन की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे विजिट कीजिए हमारे प्रीवियस बुक रिव्यूज, और वहाँ पे आपको तमाम आला पाए की किताबों के रिव्यू मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं रिव्यू की जानब। चौथे चैप्टर में इस्लाम की फतुहात का तज़करा है, जिसमें वो तमाम ममालिक का जिक्र आया है जिसके इस्लामिक स्टेट्स के आगे हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह तमाम दूसरी स्टेट्स घिरती गईं, जिसमें बड़ी मशहूर जंगे कादसिया, ईरान, फॉल ऑफ बगदाद, फॉल ऑफ ईरान, फॉल ऑफ यमन, सीरिया, इन सब की बड़ी दिलचस्प कहानी बयां की गई है। आपको महसूस होगा कि मशहूर फिल्म द मैसेज इस चैप्टर से माखूज की गई है। अगले 8 चैप्टर्स में बनो उमैया की तारीख को कवर किया गया है। उसमें गवर्नमेंट है, उसमें पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फतुहात है, और आखिरी चैप्टर में फ्रेंड अबसाइड से मुतल्लिक बताया गया है, और फॉल ऑफ बगदाद का भी जिक्र किया गया है। इसमें स्पेन के मुसलमानों की फतुहात और उनके ऊपर काफ़ी रोशनी डाली गई है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको सैरासिन्स का बता चुकी हूँ कि सैरासिन्स मुस्लिम वॉरियर्स को कहते हैं, और ये शॉर्ट कंसाइज हिस्ट्री ऑफ सैरासिन्स है, यानी कि शॉर्ट कंसाइज
हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम वॉरियर्स और उन्होंने इस्लामी तारीख में किस तरीके से अपनी फतुहात और अपनी अजमत को मनवाया और किस तरीके से दुनिया पे इस्लाम की हकूमत रही, किस तरीके से हम लोगों ने हकूमत की और क्या हमारा वे ऑफ गवर्नमेंट था, क्या हमारा वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था इन द लाइट ऑफ इस्लाम, हम लोगों ने किस तरीके से लेके सबको साथ चले, ना हम लोगों ने सप्रेस किया किसी भी और माइनॉरिटी को और ना ही हम लोगों ने किसी के साथ कोई बदसलूकी की। तो फ्रेंड्स, ये सारा कुछ इस्लाम की जो तारीख है वो सैयद अमीर अली ने इस किताब में कवर की है और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो फ्रॉम द फर्स्ट डे यानी के अरब हिस्ट्री से लेके और उसके बाद तमाम वाक्यात इसमें बड़े ही वाज़े अंदाज में बयान किए गए हैं। तो मुझे तो ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, मुझे ये किताब अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अगर आपको कोई ऐसी किताब पता है जो अभी तक हम लोगों ने अपने बुक रिव्यू के शो में रिव्यू नहीं की तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में उस किताब को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम आप लोगों के साथ मैं उस चीज़ को पढ़ूँ और शेयर करूँ। आप ही अपनी अपनी पसंदीदा किताबों के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कौन सी बुक का रिव्यू चाहते हैं। तो हम लोग अपनी मैक्सिमम एफर्ट करेंगे कि हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिव बुक्स आप लोगों के लिए लाते रहें जिससे आप लोग इन्फॉर्मेट हों। सबसे अनमोल खजाना तो आपकी किताबें हैं और यही किताब आप लोगों को और ये आपसे कभी कुछ लेती नहीं है, हमेशा आपके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करके जाती हैं, बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करके जाती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये किताब बहुत पसंद आई होगी और इसके बारे में अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जो लोग इसके किताब के बारे में नहीं जानते वो भी इस किताब से मुस्तफ़ीद हो सकें। फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा आपसे किसी को तकलीफ ना हो। योर आरजे साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।